रतलाम की स्थापना सन 1652 में जोधपुर के राजा उदय सिंह जी के बड़पोते राजा रतन सिंह के द्वारा की गई थी। राजा रतन सिंह ने दिल्ली के बादशाह को कई युद्धों में सहयोग किया था तथा ईरानियों और उज्बेकिस्तानियों को युद्ध में भी हराया था। इससे खुश होकर दिल्ली के बादशाह शाहजहां ने इन्हें दक्षिण पश्चिम राजपुताना तथा उत्तरी मालवा के सूबे का प्रमुख अधिकारी बनाया। इस राज्य की राजधानी रत राम बनी, जो कि राजा रतन सिंह और उनके बेटे राम के नाम पर रत राम रखी गई थी। बाद में यह शब्द चलन में आकर रत लाम बन गया। राजा रतन सिंह जोधपुर के राठौर घराने के थे। राजा रतन सिंह ने युवा अवस्था में ही दिल्ली में एक पागल हाथी को सिर्फ एक चाकू की मदद से काबू कर लिया था और उसे मार गिराया था। इस घटना से राजा रतन सिंह शाहजहां की नज़र में आ गए। फिर शाहजहां ने उन्हें पश्चिमी भारत की सीमा की रक्षा करने को भेजा, जो काम उन्होंने बखूबी किया। जब शाहजहां के अपने ही बेटों में राजगद्दी को लेकर आपसी युद्ध हो रहा था, तब इन्होंने शाहजहां का साथ दिया तथा औरंगजेब और मुराद, जो कि शाहजहां के विद्रोही बेटे थे, उनको रोका। राजा रतन सिंह ने विद्रोहियों से युद्ध किया, जिसे धर्मांतपुर का युद्ध कहते हैं। इसमें सहयोगी के साथ ना देने के कारण राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ 15 अप्रैल 1658 को यह युद्ध समाप्त हो जाता है। धर्मांतपुर उज्जैन के ही पास स्थित है। कहते हैं इस युद्ध में राजा रतन सिंह के शरीर पर तलवार के 80 घाव लगे थे। फिर उसके बाद रतलाम औरंगजेब के अधीन आ गया, जो कि अपने भाइयों को मारकर तथा अपने पिता शाहजहां को जेल में डालकर दिल्ली का शहंशाह बना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया और एक नई सुपर पावर के तौर पर उभर रहे मराठा साम्राज्य ने सन 1729 को पूरे मालवा को अपने कब्जे में ले लिया। रतलाम राजघराना भी मराठा साम्राज्य के अधीन आ गया तथा रतलाम सिंधिया महाराज को जोत दिया करता था। सन 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध, जिसके बारे में आप उज्जैन और इंदौर के इतिहास वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, उस युद्ध में मराठा हार जाते हैं और पूरा मालवा अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। ब्रिटिश काल में रतलाम व्यापार का एक अहम केंद्र बन जाता है, क्योंकि यह महाराष्ट्र और राजपुताना के बीच में पड़ता है। यहाँ पर ओपियम यानी अफीम की खेती बड़ी मात्रा में की जाने लगी, जो कि विश्व में सबसे बढ़िया क्वालिटी की समझी जाती थी। जब ब्रिटिशर ने इस अफीम को चीन में आयात करना शुरू किया, तो चीन के लोग इसके नशे के इतने आदी हो गए कि उससे चीन की अर्थव्यवस्था ही तबाह हो गई। इसे ही हम ओपियम वॉर भी कहते हैं। इस ओपियम वॉर के कारण रतलाम में काफ़ी समृद्धि आई। इसके साथ ही रतलाम में तंबाकू तथा नमक का भी व्यापार होता था। रतलाम व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बना रहा तब तक जब तक कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन नहीं डाली। रेलवे लाइन आने के बाद रतलाम का महत्व कम हो गया, क्योंकि रेलवे लाइन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के खंडवा से होकर जाती थी। इसलिए अब रतलाम का जो रास्ता था, जिसमें हमें घूमकर जाना पड़ता था, अब उस मार्ग का ज़्यादा उपयोग नहीं रह गया था। रतलाम 1947 में मध्य भारत तथा उसके बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। रतलाम आज भी अपने मावों, नमकीन, खासकर रतलामी सेव तथा सोने के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आज भी अफीम की खेती होती है, परंतु सरकारी लाइसेंस के अंतर्गत। आशा करते हैं हमेशा की तरह आज भी आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला भी काफ़ी बढ़ता है।
धन्यवाद।